हे हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सादाब्स गुड लाइफ। और गाइस, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, मतलब क्रिएटिव लाइन में जाना चाहते हैं, बेसिकली एक्टर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, अगर हमें एक्टर बनना है तो डेफिनेटली हमें ऑडिशन देने पड़ेंगे, ऑडिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता है। जब भी हम लोग किसी एक्टिंग स्कूल में या कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले वो लोग बोलते हैं कि आप अपनी हिंदी पे काम कीजिए, आपकी हिंदी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको एक्टिंग फील्ड में जाना है तो आपकी हिंदी क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। और अपनी हिंदी क्लियर करेंगे कैसे, इसका तो एक ही तरीका है कि हम पढ़ें, बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, इनसे ही हमारी हिंदी क्लियर होगी। हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बोल बोल के पढ़ेंगे तो हमारी हिंदी क्लियर होगी। सो गाइस, आज मैंने खुद के लिए एक बुक परचेज किया है और मैंने सोचा क्यों ना हम अखबार पढ़ते हैं या फिर कोई भी बुक पढ़ने से बेटर है हमें स्टोरी पढ़ना है, तो हम क्यों ना कोई एक्टिंग फील्ड में जाने वाली ऐसी कोई बुक होती है जिनको पढ़ें। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्टिंग फील्ड में जाने के लिए बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन बहुत सारी बुकें ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं है, फालतू गिरी बुकें हैं। लेकिन मैंने एक बुक आज अपने लिए परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। ये जो बुक है ये बहुत बेहतरीन बुक है, ये स्पेनिश, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। और गाइस, ये बुक मुझे पड़ा 350 रुपीज का, सो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन हर कहीं अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। सो गाइस, ये रहा वो बुक, मैं इसको खोलता हूं। गाइस, ये रही वो बुक, इस बुक का नाम है अभिनेता की तैयारी, स्टेनिश लवर्स, अभिनेता की तैयारी, स्टेनिश लवर्स। सो गाइस, ये स्टेनिश लवर्स की बुक है और बहुत बेहतरीन है। कि क्या है ये तो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज मैंने भी पढ़ा नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला हूँ इसको। लेकिन मैंने ये सोच के मंगाया है कि हमें अपनी हिंदी को क्लियर करना है, अपनी स्टोरीज पढ़नी है, तो उससे बेटर है कि मैं इसको अभिनय की बुक्स पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। सो मैंने इसको मंगा लिया है, अभी मैं इसको पढ़ूंगा। अगर स्टेनिश लवर्स को एक्टिंग का फादर कहा जाता है और बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल में, NSDI, NSD जैसे बड़े स्कूल में भी ये बुक अवेलेबल होती है पढ़ने के लिए। आप एक्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। लेकिन गाइज, अगर आपको बुक्स चाहिए है, आपको पढ़ना ही है कुछ, तो आप स्टेनिश लवर की बुक पढ़ें। और मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ये पढ़ें, एक मेरा फ्रेंड है उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये बुक पढ़ें, तो मैं ये बुक मंगाया है। अब मैं इसको पढ़ूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ के बताता हूँ उसके बारे में। उन्होंने लिखा है कि अध्यापक या शिक्षाएं शिक्षाओं को चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, और रंग प्रदर्शन के विषय वस्तु से। सो गाइस, मैंने इस बुक को थोड़ा सा पढ़ा है और मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा है ये बुक, मैं पूरा पढ़ूंगा इसको। और गाइस, अगर आप भी एक्टर बनना चाहते हैं, आप भी एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप भी मुंबई जाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप फिल्मों में काम करें, टीवी में काम करें, तो आपको अपनी हिंदी क्लियर करनी होगी। सो आप हिंदी क्लियर करने के लिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी क्लियर करने के लिए आप यही बुक लें, आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। लेकिन कोई भी बुक लेके अपने पैसे वेस्ट करने से बेटर है कि हम ये बुक ले लें, स्टेनिश लवर्स की बुक बहुत बढ़िया बुक होती है, ऐसा सब लोग ने मुझे बताया है। लेकिन मैंने अभी लिया, अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं, थोड़ा सा पढ़ा है, तो मैं अभी ये नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत बढ़िया है। जब मैं पढ़ूंगा फिर कभी बताऊंगा आपको। खैर, वैसे लग तो इंटरेस्टेड रहा है मुझे। सो अभी के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टेड ब्लॉग लेकर आता रहूंगा। मैंने ज्वाइन फिल्म्स का एक्टिंग वीडियो कोर्स भी लिया है, मैं अभी एक्टिंग सीख रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, रिव्यू करूंगा कि कैसा है उनका वो कोर्स। सो अभी के लिए इतना ही, ओके बाय, अल्लाह हाफिज।